कुशाक एक्सप्लोरर कॉन्सेप्ट एडिशन आखिर कैसी लगेगी देखने में, ये भी समझते हैं, और कब इसे लॉन्च किया जा सकता है, किस कीमत पे, किस तरह के व्हील्स मिलेंगे, सब बातें होंगी इसी वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक्सटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर चेंजेस एक्चुअल में नहीं, क्योंकि बॉडी शेल वही है, वही आपको LED हेडलैम्प यूनिट DLs ऑन, यहाँ पर आपको कलर टोइंग हुक दे रखा गया है, पार्किंग सेंसर्स भी आगे की तरफ है, एक कलर एलिमेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है और इधर भी ये वाला कलर एलिमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्कोडा की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल देखने की बात आए तो यह काफ़ी मैचो गुड लुकिंग लग रही है, हालांकि इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके टायर बदले गए। क्या बदले गए, आइए आपको दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल की बात की जाए, यहाँ पर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हाँ, इसमें 16 का ऑप्शन है, लेकिन टायर ऑल ट्रेन टायर मिलते हैं आपको इस एक्सप्लोरर कॉन्सेप्ट एडिशन साथ, जो कि 215/65 प्रोफाइल्स के हैं, काफ़ी चंकी रबड़ के साथ में है, ताकि यह बेहतर आपको ग्रिप दे सकें मड़ी सिचुएशन में। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इन बड़े टायरों की वजह से थोड़ा इंक्रीज हो गया है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्मल की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 188 mm है और मुझे उम्मीद है यह 195 के आसपास पहुंच गई होगी। स्कोडा की बैजिंग यहाँ पर कोई चेंज नहीं, OIVM में ही इंडिकेटर दे रखे गए हैं, और ऊपर आपको एक स्पेशल एडिशन दे रखा गया है लाइट के लिए और रूफ रेल के सामने, देखने में बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बस ये एलिमेंट जो है इसको कॉपर कलर के साथ दे दिया गया है। स्कोडा की बैजिंग जो है उसे ब्लैक कलर में दे रखा गया है, 1.5 लीटर TSI की बैजिंग, और ये जो लाइनिंग है इसको भी ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ भी जो टोइंग हुक है उसको भी इन्होंने कॉपर कलर के साथ कर दिया गया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है और देखने में तो वैसे ही है। ओवन इसके इंटीरियर में भी कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है। ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का इरादा है कि वह एक ऐसा व्हीकल लॉन्च करें जो भले देखने में SUV जैसा ऑल ट्रेन व्हीकल दिखे, लेकिन वह हो अपने 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ ही, जो कि एक्चुअल में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, देता है 150 PS की पावर, 250 Nm टॉर्क के साथ, जो कि 1600 RPM से शुरू हो जाता है। नतीजा बहुत बेहतरीन पावर डिलीवरी आपको मिलती है इस इंजन के साथ। प्राइसिंग का अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, हालांकि मेरा मानना है कंपनी अगर इस एडिशन को लॉन्च करती है इंडियन मार्केट में तो प्राइसिंग में लगभग 50,000 से लेकर 70,000 इंक्रीज किए जा सकते हैं। कंक्लूजन में मैं क्लियरली कह दूं, इंटीरियर में इसमें कोई चेंज नहीं है, हालांकि कंपनी कह रही है कि जब वह उसे ओरिजिनली लॉन्च करने का प्लान करेंगे तब हो सकता है कि हमें भीतर कुछ और टेक देखने को मिल जाए, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि हम बाहर से आपको आइडिया दे रहे हैं कि उनका एक्सप्लोरर एडिशन कैसा होगा। और रही बात क्या इसे खरीदना चाहिए, देखिए आने के बाद हमें पता चलेगा यह कितना कैपेबल व्हीकल है, ख़ास तौर से कुछ खास ऑफ रोडिंग या ख़राब रोड कंडीशंस पे, ये तभी हमें पता चलेगा और तभी इसके बारे में कोई कमेंट करना मुनासिब होगा। अभी ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में है, हो सकता है इस साल के अंत तक कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रही है। कौन सी, नहीं देखा आपने वीडियो, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए वो वीडियो, कौन सी कार स्कोडा लॉन्च करने वाला है 2024 में इलेक्ट्रिक अवतार के साथ। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना करें और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।